नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जयपुर में रेल हादसा, कुछ व्हाट्सपीय लोग असम और नागपुर का बता कर रहे हैं वायरल। देखिए वायरल खबर का सच्चा। विकास कुमार बबलू की रिपोर्ट। फेसबुक और व्हाट्सएप से पीड़ित लोग को आज भी व्हाट्सएप और फेसबुक का कीड़ा उनका पीछा छोड़ नहीं रहा। भारत में देखा जाए तो ये बीमारी से 60% लोग पीड़ित हैं। ये एक खास किस्म की बीमारी है जो खास किस्म के लोगों को ही होती है। किसी खबर को बिना सोचे समझे वायरल करने में उनकी अहम भूमिका रहती है। ताजा मामला देखा जाए तो ट्रेन दुर्घटना से है। 1 फरवरी 2019 को जयपुर के सांगानेर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया था। सांगानेर रेलवे स्टेशन पर जबलपुर से जयपुर आने वाली ट्रेन दयोदय एक्सप्रेस का इंजन और एक डिब्बा पटरी से उतर गया था। हादसे में 4 लोगों के घायल होने की भी खबर थी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दुर्घटना होते ही जयपुर जंक्शन पर सायरन बजने लगा, जिससे तुरंत रेलवे दस्ता व पुलिसकर्मी सांगानेर स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि जिस समय ट्रेन का इंजन और एक डिब्बा पटरी से उतरा, उस समय ट्रेन बिल्कुल धीमी रफ्तार में थी। ये तो रही ओरिजिनल कहानी, लेकिन फेसबुक व्हाट्सएप से पीड़ित लोग इस खबर को नागपुर और असम का बताकर जमकर वायरल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रीन लाइन न्यूज फैक्ट चेक में ये वायरल खबर बिल्कुल झूठ है। 2019 जयपुर की खबर को असम और नागपुर का बताकर लोग आज खूब हवा फैला रखे हैं। परेशान लोग अपने रिश्तेदारों और परिवार वालों से हालचाल ले रहे हैं और हवा उड़ने वाले लोग इस खबर को फैलाकर मौज मस्ती कर रहे हैं। ग्रीन लाइन न्यूज अपने दर्शकों को आगाह करता है कि कोई भी व्हाट्सएप पर आया न्यूज बिना सोचे समझे शेयर नहीं करें, नहीं उस खबर को सच माने। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज।